सो हे गाइस, आई एम पोवोकेट एंड वेलकम बैक अगेन टू पोवोकेट गेमिंग। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो अपकमिंग डायमंड रॉयल के बंडल्स हैं उसके बारे में, और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोल्ड वाउचर में आपको कौन सा बंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी ख़त्म होने वाला है और नया बंडल आने वाला है, तो वो कौन सा होगा उसके बारे में बताऊँगा। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस बार के जो एलाइट पास है वो इस बार मिलने वाला है, एक नया इवेंट लाने वाली है फ्री फायर गरीना फ्री फायर, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स इस वीडियो में अंदर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना मेरे भाई लोग, और जो मेरे चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और आपको एक और चीज़ बतानी थी मेरे को कि एक नया इवेंट आने वाला है विंटरलैंड का, जिसमें आपको मिलने वाले हैं सारे पेट्स, जितने भी पेट्स हैं अभी तक के फ्री फायर के अंदर, वो सब मिलने वाले हैं। और वो कैसे मिलेगा पर उसका कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो ये है हमारा डायमंड रॉयल का पहला बंडल, जो कि है फीमेल बंडल। आप देख लीजिए, काफ़ी ओपी है, इसके जो मूव्स है और मतलब जो इसका कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज। और इसमें भी फेस मास्क मिलेगा आपको, जो एक नया सेक्शन ऐड हुआ है हमारे वॉल्ट के अंदर, जो आप देख सकते हो कि फेस मास्क उसमें लगा सकते हैं, वैसे फेस मास्क आप इसमें भी लगा सकते हो आप। और इसके बाल से लेके कपड़े तक काफ़ी ओपी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा मेल बंडल भी काफ़ी अच्छा है, बट मुझे इसका बॉटम अच्छा नहीं लगा गाइस, क्योंकि इसका बॉटम थोड़ा सा और अच्छी कर सकती थी, मतलब हमारी जो फ्री फायर की टीम है जो भी बनाते हैं ये कंटेंट्स, और उनको मैं बताना चाहूँगा कि गाइस इसके जो पैंट मतलब बॉटम है ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, बट कोई नहीं गाइस, अब इसको कॉम्बिनेशन करके पहन के भी आपको ओपी लगने वाला है ये वाला जो बंडल है, और काफ़ी अच्छा है गाइस। इसके बाल से लेके पूरे बॉटम तक सब अच्छा ही है, और अगर आप अच्छे से कॉम्बिनेशन करके पहनोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपको एक और बात बता देता हूँ गाइस, हमारे जो फ्री फायर के अंदर जो गोल्ड रॉयल है वो ख़त्म होने वाला है, तो नया गोल्ड रॉयल जो आने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला बंडल, ये मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा गाइस। और ये जो बंडल है ये क्रिकेट की जर्सी की तरह है, और ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये खेलने में मतलब पहन के खेलने में आपको ओपी जैसा फील आएगा, और थोड़ा सा यूनिक है गाइस, क्योंकि अभी तक फुटबॉल की जर्सी लेके आई थी फ्री फायर गरीना, और इस बार अब लेके आई है क्रिकेट की जर्सी, और वो भी काफ़ी थोड़ा बहुत इंडियन जर्सी की तरह आपको लगने वाला है। और 18 नंबर आपको पता है विराट कोहली का है हमारे इंडिया में, और 18 नंबर दिया हुआ है पीछे जर्सी के पीछे। अब पता नहीं ये किससे इंस्पायर होकर किया गया है, बट गाइस आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, हमारे पास कोई लीक्स आता है तो हम फटाफट आपको बताएंगे एक वीडियो के थ्रू। तो चलिए हमारे अगले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो अगला न्यूज़ है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक नया बैट का स्किन, जो बिल्कुल बैट की तरह लग रहा है गाइस, क्योंकि मुझे ये लगता है आईपीएल जो आने वाली है, जो दुबई में आईपीएल हो रही है, या कोई भी नया फॉर्मेट आने वाली है, तो उसके वजह से ये नई थीम लेके आई है, और काफ़ी ओपी है गाइस। देख लो, बैट आप पकड़ के हाथ में पकड़ के जा सकते हो, अभी तक जो बैट का स्किन था वो थोड़ा सा अलग था, बेसबॉल का बैट था, पर अब आया है क्रिकेट का बैट आपके फ्री फायर गरीना फ्री फायर के अंदर, तो काफ़ी ओपी है गाइस, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हमारा अगला जो न्यूज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो आपको ये स्पिन रॉयल स्पिन मिलेगा आपको, ठीक है, और ये आपको मिलने वाला है 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा गेम के अंदर 22 सितंबर को। और गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये इसमें आपको एलाइट पास मिलने वाला है, क्योंकि इस बार गरीना ने एलाइट पास नहीं दिया था हम लोगों को, तो ये वाला एलाइट पास आपको इस वाले में इवेंट में देखने को मिलेगा, और काफ़ी ओपी होगा ये इवेंट, और जल्द से जल्द 22 तारीख को आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने हमारे कंप्लेन किया था कि इस बार हमें 3 महीने से हम लोगों को मतलब एलाइट पास नहीं मिल रहा है डिस्काउंट में, तो आपको देना पड़ेगा। तो गरीना ने बोला है कि चल ठीक है, आप लोगों के लिए एक नया इवेंट लेके आते हैं जो आने वाला है 22 सितंबर को, और इसमें आपको मिलने वाला है एलाइट पास। और गाइस अब बता देते हैं विंटरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा विंटरलैंड आने वाला है उसके अंदर आपको ये सारे पेट देखने को मिलेगा, और ये सारे पेट आपको मिलने वाला है विंटरलैंड इवेंट में, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इस बार गरीना फ्री फायर के अंदर। तो गाइस आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में और कोई लीक्स नहीं आई है, अगर जब इसके बारे में कोई लीक्स मुझे मिलती है तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस चलिए आज वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हकुना मटाटा।